हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 एक्सरसाइज 13.2 करने से पहले उसकी जो बेसिक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 पाई आर, मतलब एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन की है हमने, राइट, और उसको दोनों तरफ से ऐसे मोड़ दिया है, ये साइड को इस तरफ, ये साइड इस तरफ, ऐसे दोनों साइड जॉइंट होगी, वो जहाँ पर जॉइंट होगी उसको हाइट हो जाएगी, राइट। तो सी एस ऑफ सिलेंडर जो एरिया होता है रेक्टेंगुलर स्क्रीन, एरिया ऑफ शेप एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, एल इनटू बी। तो एल मतलब जो एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो इसका जो बेस है उसकी फॉर्मूला क्या है, वो सर्कल हो गया, सर्कल का पेरीमीटर क्या फॉर्मूला है, 2πr इनटू हाइट, 2πrh, ओके। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड किया था, और ये सर्कल और ये सर्कल नीचे वाला सर्कल ऊपर वाला नीचे वाला सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। तो सी एस एन, सी एस ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πrh, और सर्कल की पाई आर स्क्वायर 2πr, 2πrh प्लस आर, राइट। फिर एक्सरसाइज 13.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि उसमें क्या है, इनर कर्व सर्फेस या आउटर कर्व सर्फेस, मतलब दो रेडियस नहीं है, कितनी रेडियस है, दो रेडियस, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो 2πrh, और जो बड़ा वाला रेडियस है उसके लिए बड़ा आर लिया हमने, बराबर, तो 2πRh, और दोनों के बीच का एरिया, बराबर, बाहर वाला जो है और अंदर वाला है, दोनों के बीच के लिए क्या करेंगे, 2πcos बिगर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। तो 2π × r² माइनस आर स्क्वायर, मतलब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगी, 2πrh + 2πr² × r² - r², तो अभी इसके ऊपर से हम क्वेश्चन वन करते हैं, राइट। यू राइट डाउन दिस, ओके, देखो अभी ये लिखने के बाद हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 13.2, वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, तो हाइट दिया हमें 14 सेंटीमीटर और सी एस दिया है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना है हमें डायमीटर, मतलब पहले तो आर फाइंड करेंगे, आर और डायमीटर दोनों फाइंड करना है, जो रेडियस आएगा उसका डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा डायमीटर मिल जाएगा। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर की क्या फॉर्मूला है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh, और क्या दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई की वैल्यू 22/7, बाई की है तो 22/7 लेना है हमें, 22/7 रेडियस फाइंड करना है, और बाई बाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, 7 × 14 का, देन फॉर आर इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 2 × 22 × 2, राइट। तो 88 अपॉन 22 × 42 = 88, राइट। 88 हो जाएगा तो 1 सेंटीमीटर रेडियस आएगा, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2r × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, राइट। इसके सेंटीमीटर स्क्वायर में इसी राइट सेंटीमीटर में ही आएगा। तो क्या दिया हमने, हाइट दी है, सी एस ए दिया है, रेडियस फाइंड करना है, और रेडियस फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, अभी डायमीटर हुआ है लेकिन डायमीटर फॉर्मूला में नहीं है, राइट। 2πrh है, तो रेडियस मिलेगा हमें, रेडियस के ऊपर से डायमीटर फाइंड करेंगे, एरिया दिया है 88 × 22/7, रेडियस आई के वैल्यू 14 × 7 = 14, तो आर फाइंड करना है तो बाकी सब इस तरफ ले लेंगे, ऑपन मिल जाएगा 88 × 2 × 22 × 2, तो 88 × 88 = 2 × 2 × 2 cm, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डू, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में
रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलिंड्रिकल, कोई क्लोज मतलब पूरा सरफेस एरिया है राइट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ हाइट 1 मीटर, हाइट दिया है 1 मीटर, डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर मतलब 1.4 मीटर और सेंटीमीटर में करेंगे तो डी अपॉन 2 तो 1.4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 0.7 मीटर राइट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो टी एस ए फाइंड करेंगे हम, टी एस ए ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर, तो 222.7 रेडियस 0.7 अपॉन 10, एच कितना दिया है 1, रेडियस है 0.7 तो 7 पर 22 हो जा 44 अपॉन 10, 1 प्लस 0.7 तो 1.7 मतलब 17 बाय 10, 44 इंटू 17 का 44 अंडी बाय 17 4 4 0 4 7 या 28 38 4 7 तो 748 राइट। 47 या 28 28 प्लस 30 तो 0.7 मतलब 748 अपॉन 100 तो 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट। आ गया समझ में राइट। राइट उसकी फॉर्मूला हमने पहले लिख दी है ओके राइट।